विशिष्ट शिक्षकों के होंगे सारे दावे समाप्त, दूर दूर तक होंगे सारे सुविधाओं से वंचित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक अहम विश्लेषण आप सभी के बीच लेकर आए हैं कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके कई सारे दावे समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ दूर दूर तक उन्हें मिलने वाली सुविधा नहीं मिल पाएगी। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि वर्तमान में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण वो तमाम शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, आखिर सरकार की इसके पीछे की नीति क्या है। साथियों, हम स्पष्ट कर दें कि यह एक स्थानांतरण की प्रक्रिया है जिसे शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन में तब्दील किया गया है। हम आपको बता दें दोस्तों, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ये उठाया गया वैसा कदम है जिसमें जिले से बाहर कार्य करने वाले तमाम शिक्षक जो अपने घर से सुदूरवर्ती जिलों में जाकर अपनी सेवा दे रहे थे और अपनी नौकरी कर रहे थे, और इन तमाम शिक्षकों की वर्षों से मांग थी कि हमें अपना गृह जिला आवंटित किया जाए, यानी मुझे ट्रांसफ़र किया जाए। और शिक्षा विभाग इसके ऊपर भी कई वर्षों से कार्य करती आ रही थी, जिसके अंतर्गत आप सुने होंगे कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले को लेकर सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही है और वैसी नीति का निर्माण कर रही है जिसके आधार पर शिक्षकों को जिले से बाहर पदस्थापित किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने अपना कदम बढ़ाते हुए कि आखिर वैसे शिक्षक जो सुदूरवर्ती जिलों में जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो किन्हीं के 5 वर्ष, तो किन्हीं के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज तक उन्हें अपना गृह जिला नसीब नहीं हुआ। ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा एक नीति का निर्धारण किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग ने अपनी अहम भूमिका निभाकर वही नीति अपनाई कि शिक्षकों का एक परीक्षा ले लिया जाए और इस परीक्षा के माध्यम से इन तमाम शिक्षकों को नई सेवा में परिणत करते हुए, यानी नई नियुक्ति देकर उन्हें अपने जिला में जाने का अवसर प्रदान किया जाए। इस आधार पर बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है और वो अपने जिला में अपनी सेवा दे सकेंगे। हालांकि वैसे शिक्षकों को अपने द्वारा किए गए सेवा की कुर्बानियां भी देनी पड़ रही है। विशेष रूप से जो शिक्षक अगर वर्ष 2014 में बहाल हुए होंगे, उनके लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वे शिक्षक मजबूर इस रूप में है कि उन्हें अपने गृह जिला जाना है, और इसके लिए अगर वो काउंसलिंग कराकर अपने जिला में पदस्थापित होते हैं तो भले ही उनके द्वारा किया गया सेवा समाप्त यानी शून्य हो जाएगा, लेकिन अपना जिला उन्हें नसीब जरूर हो जाएगा। यानी शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण के बिंदु को पदस्थापन में तब्दील करते हुए शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। लेकिन यही नीति अगर सारे शिक्षकों पर लागू कर दी जाती है जो वर्तमान में अपने ही जिले में कार्यरत है, तो उनके लिए हम कहेंगे कि ऐसे शिक्षकों के सारे दावे समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें दूर दूर तक मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। दोस्तों, वैसी बात नहीं कि जो शिक्षक आज दूसरे ज़िले में कार्यरत है, उन शिक्षकों को अगर अपने ज़िले में कार्य करने का मौका मिल जाता है तो उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, उन्हें भी अपनी सेवा की कुर्बानियां देनी होगी, उनके भी सारे दावे समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें भी भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं से दूर दूर तक वंचित होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, सच्चाई ज़रूर कड़वी होती है। हमारी बात कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। भले ही कुछ शिक्षकों को हमारी बातें बुरी लगे, हालांकि बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो भी कहूँगा एक सटीक विश्लेषण आप सभी को बताऊँगा कि शिक्षकों को कैसे सारे दावे समाप्त हो जाएंगे और कैसे दूर दूर तक मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। साथियों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि अगर बिहार के कोई भी शिक्षक अपने नियोजन इकाई को छोड़ विशिष्ट शिक्षक पद को ग्रहण करते हैं, यानी नई सेवा में जाते हैं, तो सबसे पहले उनके द्वारा किए गए सारी सेवाएं समाप्त हो जाएगी, यानी उनकी नई नियुक्ति होगी और उस दिन से उनकी सेवा की शुरुआत होगी। जैसा कि काउंसलिंग संबंधी जो शेड्यूल जारी किया गया है, उस पत्र में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि ही उनके वरीयता को निर्धारित करेगा। जो शिक्षक पहले योगदान करेंगे वो वरीय कहे जाएंगे और जो शिक्षक बाद में योगदान करेंगे वो कनीय कहे जाएंगे, यानी उनकी सेवा की काउंटिंग उसी दिन से शुरुआत होगी।
दोस्तों इसके क्रम में उनके पूर्व की सारी सेवाएं शून्य हो जाएगी और उसके बाद उनके द्वारा कभी भी सेवा निरंतरता संबंधी आवाजें बंद हो जाएगी। वो कभी भी यह दावा नहीं कर सकेंगे कि हमने इतने वर्षों तक पूर्व में सेवा की है और हमें इसके आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों ऐसे शिक्षकों के दावे उस दिन समाप्त नहीं होंगे जिस दिन वो शिक्षक कार्य में योगदान करेंगे। साथियों हम आपको बताते चले कि शिक्षकों के सारे दावे उस दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे। काउंसलिंग का मतलब होता है सहमति जताना, जिसमें सम्मिलित होकर शिक्षक द्वारा सहमति जताई जाती है कि हम इस पद के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं और हम इस पद को स्वीकार कर रहे हैं, जहां उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उन्हें कार्यालय में योगदान की पत्र के माध्यम से अनुमति दी जाती है। वहीं अगर शिक्षक इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो वो सारे शिक्षक बिल्कुल ही आज़ाद हैं, क्योंकि उन्हें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के आलोक में अधिकार प्रदान किया गया है कि आप चाहे तो नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों इसके संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा भी ये बयान जारी किया गया था कि जरूरी नहीं कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन हो, यानी उन्होंने भी अपनी बातों में कहा था कि शिक्षक अगर चाहे तो अपना ट्रांसफ़र या फिर पदस्थापन ले सकते हैं और वो नहीं चाहे तो नहीं ले सकते हैं। तो इसके आधार पर शिक्षक अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो वो शिक्षक बिल्कुल ही आज़ाद है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं तो निश्चित है कि उनके ऊपर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, उनके वेतन को स्थगित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों ये तो सेवा निरंतरता की बात आई, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि शिक्षक विशेष शिक्षक पद योगदान करने की तिथि से 8 वर्षों तक अपनी पदोन्नति को भूल जाएंगे, क्योंकि उस दिन उनकी नई सेवा की शुरुआत होगी और जिस तिथि को शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नए विद्यालय में योगदान करेंगे उस तिथि से लेकर जब उनके 8 वर्ष पूरे होंगे उसके बाद ही वो शिक्षक पदोन्नति के काबिल बनेंगे और वह दावा कर सकेंगे कि हमें पदोन्नति चाहिए और नियमावली के अनुरूप उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों दूर दूर तक वैसे शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसका उदाहरण हम इस रूप में लेते हैं कि शिक्षक अगर पदोन्नति का दावा करते हैं वो भी विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद, उसके बाद भी उन्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। वो क्यों? दोस्तों हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कई ऐसे पत्र जारी किए गए हैं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष बनाने को लेकर ऐसी नीति का निर्धारण किया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नियोजित शिक्षकों को अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है तो विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद उन शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष बनाया जा रहा है, इन शिक्षकों को भी उसी संवर्ग में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों जब शिक्षकों द्वारा नए विद्यालय में योगदान किया जाएगा और उसके 8 साल बाद अगर वो पदोन्नति के लायक बनेंगे उसके बाद जरा सोचिए आप कि पहले पदोन्नति किसका होगा। दोस्तों आप ही के समकक्ष है बीपीएससी शिक्षक जो कि 2 लाख की संख्या में आपसे पूर्व योगदान दे चुके हैं और हर हाल में वो शिक्षक आपसे सेवा में बरीय हो जाएंगे और जिस वक्त आपके 8 साल पूर रहे होंगे उस वक्त उन शिक्षकों का 9 वर्ष पूर चुका होगा और जिस समय उन शिक्षकों का 8 साल पूर्ण हो जाएगा उसी समय पदोन्नति के दावे किए जाएंगे और सबसे पहले बीपीएससी TRE 1 के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, उसके बाद बीपीएससी TRE 2 के शिक्षकों का लाभ मिलेगा और उसके बाद अगर रिक्ति रह गई, मानते हैं कि अगर कक्षा 6 से 8 के लिए पदोन्नति की बात कही जाती है और उसमें भी लाखों की संख्या में बीपीएससी शिक्षक पूर्व से ही बहाल है तो सबसे पहले उन शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा और उसके बाद रिक्ति रहेगी उसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। यानी रिक्ति रहेगी ही नहीं तो आखिर कैसे पदोन्नति दिया जा सकेगा। सवाल उठता है कि 8 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को वर्षों तक पदोन्नति के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सुविधा मिलेगी पहले बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में बहाल शिक्षकों को मिल जाने के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को कोई भी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि दूर दूर तक शिक्षकों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अब दोस्तों आइए हम बातें करते हैं कि आखिर वैसे शिक्षक जिन्होंने वर्षों तक अपनी पूर्व की सेवा दे रखे हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षक बनना अनिवार्य है या फिर उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों हम बता दें कि बिहार के सारे शिक्षक विद्वान हैं, साथ ही साथ जिन्होंने जितने ज़्यादा वर्षों तक की सेवा दी है उन्हें ज़्यादा अनुभव है
और वे तमाम शिक्षक इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनाकर सरकार पूर्व से सेवा देते आ रहे शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि उनके पूर्व की सेवा को ही समाप्त किया जा रहा है। और हम एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत शिक्षकों की सेवा निरंतरता और पुनर्नति निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। शिक्षकों के सारे दावे समाप्त हो जाएंगे जब वो नई सेवा में चले जाएंगे। आप सभी के पास वर्षों का अनुभव हो चुका है, आप सभी भी जरा इस पर गौर करके देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को सुविधा दी जा रही है या फिर शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बात जरूर है कि जो शिक्षक अपने गृह जिले से दूर है, जो अपने माता पिता से दूर है, वैसे शिक्षकों को अगर सेवा की कुर्बानियां देकर भी अपने माता पिता के पास जाने का अवसर मिला है तो वो जा सकते हैं। हालांकि उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन नुकसान खोकर भी अगर अपने माता पिता से मिल जाते हैं, अपने परिवार के साथ मिल लेते हैं, तो यह नुकसान बड़ा नुकसान नहीं माना जाएगा। लेकिन जो शिक्षक अपने गिरी जिले में है, अपने होम प्रखंड में है, वैसे शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक को योगदान करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और रही बात दोस्तों बड़िए और कनिए की, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि वर्तमान के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में नहीं भाग लिए थे, ऐसे तमाम शिक्षक आज की तिथि में बीपीएससी शिक्षकों से भी बड़िए हैं। और रही बात जब वही शिक्षक विशेष शिक्षक बन जाएंगे तो उनका पायदान चौथे नंबर पर चले जाएंगे। दोस्तों ऐसा इसलिए कि सबसे ऊपर होंगे बिहार के वो नियोजित शिक्षक जो नियोजित ही बने रहेंगे, दूसरे स्थान पर रहेंगे बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक, तीसरे स्थान पर रहेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक और चौथे स्थान पर रहेंगे तमाम विशिष्ट शिक्षक। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा दे रखी है, जिन्होंने 20 वर्षों की सेवा दे रखी है, जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा दे रखी है, अगर वो विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करते हैं तो इतने लंबे सेवा देने वाले शिक्षक आखिर चौथे पायदान पर चले जाएंगे और वे सबसे कनिए कहे जाएंगे। और साथ ही साथ उनको मिलने वाली सारी सुविधाएं भी चौथी बार में ही प्राप्त होंगे। जो भी सुविधाएं मिलनी होगी पहले ऊपर के 3 शिक्षकों को मिलेगी, उसके बाद ही चौथा नंबर इनका आएगा। अगर किन्हीं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक का ऐसे नुकसान को उनकी आत्मा कबूल करता है तो दोस्तों आप विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि आखिर जब ऐसी ही बात है तो सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। दोस्तों सरकार के पास भी मजबूरी थी, क्योंकि सुदूर जिलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों द्वारा बार बार ये बातें उठाई जा रही थी कि हमारा स्थानांतरण किया जाना चाहिए। और सरकार भी इस बात को लेकर मजबूर थी कि नियोजन इकाई से आखिर इन शिक्षकों को हम कैसे जिला से बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया के तहत सरकार ने जो नीति अपनाई जिसके तहत शिक्षकों को जिला ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उन्हें अपना गृह जिला भेजा जा सकता है। लेकिन यही नीति अगर गृह जिले में कार्य करने वाले शिक्षकों पर लागू होता है तो उनको नुकसान के सिवा कभी भी लाभ नहीं होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।